नमस्कार मित्रों, जीवन में हम जिस दिन से गर्भ में अपना आकार लेना आरंभ करते हैं तो अवलोकन के माध्यम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम जीवन को जीने जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह होता है कि गर्भ में आकार लेने के दिन से ही हमारा क्षय शुरू हो जाता है और हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर मृत्यु को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब कोई भी व्यक्ति उम्र के बीतने पर, जबकि जैसे जैसे उम्र बीत रही है वह मृत्यु की तरफ जा रहा है, या फिर उसके जीवन में वह समय जिसे वह जीवन कहता था जो निकल गया है वह फिर लौट कर नहीं आ रहा है, इन दोनों स्थितियों को खोने के बाद भी आपने हमेशा अपने चारों ओर लोगों को खुश रहते देखा होगा, मस्त रहते देखा होगा, यहाँ तक कि जन्मदिन को बहुत खुशियों के साथ मनाते देखा होगा। अगर जन्मदिन को उस दर्शन के साथ देखा जाए तो हर व्यक्ति जन्मदिन जिस दिन मनाता है उस दिन सच में तो वह अपने मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए उस समय का स्वागत करता है जिस समय के साथ वह आगे बढ़ता हुआ एक दिन मृत्यु का आलिंगन करेगा। जब हमारे अवचेतन में मृत्यु का इतना बड़ा नृत्य खुशी के साथ चलता रहता है, हम सब उसमें मस्त रहते हैं, तरह तरह के आयोजन करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, विवाह करते हैं, जन्म मुंडन सारे संस्कार करते हैं, जबकि उन सब का विलोपन हो रहा है, तो फिर जीवन के किसी भी दूसरे मुद्दों पर हमको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। खास तौर से भौतिक संसाधनों को आपके जीवन में न होने की स्थिति में कभी दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी निर्मित है वह समाप्त होगा, चाहे वह कृत्रिम वस्तुएं हों चाहे यह शरीर हो। ऐसी स्थिति में दुख कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण हम दुखी रहें, और इसी बात को महात्मा बुद्ध ने कहा भी कि जो कुछ है वह दुख है और दुख का कारण मोह है, उसका निवारण है और निवारण के लिए उपाय हैं। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि हम जीवन को समाप्त करने के लिए इस दुनिया में आते हैं और जिस तरह से उसमें हम खुश रहते हैं उसी तरह से हमको हर स्थिति में यह मानते हुए कि यह मेरे पास होना ही नहीं था, एक मुट्ठी में कितना आ सकता है। प्रकृति ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी जीव जंतु के जीवन में उतना ही सिर्फ सामर्थ्य है जो मुट्ठी में आ सकता है। जिस दिन इस मुट्ठी के दर्शन के साथ आप जीने लगेंगे जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो जीवन हम हर दिन जीते हैं उसको महसूस करें। तो जीवन को पूरी हंसी खुशी के साथ जिए, इस आधार पर नहीं कि मेरे जीवन में दुख है, क्योंकि दुख जैसा कुछ भी नहीं है। जीवन का अर्थ ही है समाप्त होने की एक प्रक्रिया। इस बात को आप दूर तक ले जाइए ताकि आज जिस तरह से अवसाद और निराशा बढ़ रही है हो सकता है उसमें एक बूंद की तरह यह बातें काम आए और कोई व्यक्ति फिर से मुस्कुरा उठे। क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन का उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ अधिकारों के लिए उद्विग्नता के साथ न लड़ें बल्कि उस कर्तव्य बोध में भी जीने का प्रयास करें जो हमारे चेहरे पर एक खुशी ला सकता है। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।